श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 300 अध्याय प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। इससे पिछले अध्याय में हमने पुरंजन उपाख्यान का तात्पर्य सुना। अब आगे विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण आपने राजा प्राचीनवरि के जिन पुत्रों का वर्णन किया था उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? वारह इष्पत्य मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी, इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया वह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर प्राण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। उनके श्रीअंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले स्वर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्तिगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधारकर अपने शरणागत प्रचेताओं को प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रो तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायकाल और प्रातःकाल एकाग्रचित से रुद्रगीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा सिरोधार की है। इससे तुम्हारी कामनीय कीर्ति समस्त लोक में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडु ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। उस तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी उंगली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा अर्थात भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10,00,000 दिव्य वर्ष तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे।
जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थ आश्रम में भी रहें तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, इसलिए उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता है और मुझे प्राप्त करने के लिए जीवों को न मोह हो सकता, न शोक और न हर्षी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थ के आश्रय और सबके परम सुहद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, क्या आपको नमस्कार करते हम आपको नमस्कार करते हैं? वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं, आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं, आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्धि और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वेत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं, धारण करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं, आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं, आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था, आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमलों के समान कोमल हैं। कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए हैं, समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है, इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी? अमंगलहारी प्रभु दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया जाए। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरण में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे? जगदीश्वर आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुष पुरुषार्थ स्वरूप हैं, आप हम पर प्रसन्न हुए, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ हम एक बार आपसे अवश्य मांगते हैं, एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यद भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा? तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे? हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के छड़वर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी नहीं मानते। फिर मानवी भोगों की तो बात ही क्या है? भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहां प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध का उद्वेग नहीं होता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुण
गान किया जाता है, गुणगान होता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं, भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा। भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षणवर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुसाध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं, अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धजनों को प्रसन्न किया है, तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहृदगण बंधुवर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है, और अन्न आदि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामिन, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयंभू मन स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं, अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते रहें। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और पुरुष परम पुरुष हैं। आप सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अपृतहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे, तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल में बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानो स्वर्ग या स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए हैं। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। वह ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन वरह के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मार्शा नाम की कन्या का विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना सर्वपूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर जब काल क्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष अर्थात कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया, और इन्होंने मरीच आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 300 अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।